77वां कान फिल्म फेस्टिवल हमें ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड स्वागत है आपका आज तक के पहले तो एक्सक्लूसिव हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐश, हर साल हम आपको देखते हैं, सबसे बड़ा साल है आपके साथ। कल तो जो आपने ड्रेस पहनी, जो आपने ड्रेस पहनी थी उसको दीपक से करा जा रहा है बदल रहा है में इतनी वजह से सो ब्यूटीफुल और आराध्या भी आपके साथ पूरा कान एक सुंदर चला है। और आप सबके जरिए मुझे वेल विशेस का भी प्यार मिलता है, तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हर बार यादगार तो रहता है, नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। स्केड्यूल भी बहुत पैक रहता है क्योंकि यहाँ पर मैं आती हूँ इस ब्रांड के परिवार के साथ, तो खासकर उनका जो ब्रांड वर्क रहता है, मीडिया वर्क रहता है, उसमें मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। लेकिन और मीडिया इंटरेक्शंस होते हैं, शूट्स होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, तो वो सब तो काम कर ही देते हैं। लेकिन साथ ही साथ रेड कार्पेट पर जो यहाँ पर अनुभव रहता है वो है खासकर ब्रांड के साथ मेकअप है, फैशन मोमेंट्स ही रहते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ काम करने का अवसर मिला है, अनुभव मिला है। और खूबसूरत गारमेंट, कल का गारमेंट मैं खुद कह रही हूँ कि इतना खूबसूरत है वो, क्योंकि उसकी जो डिटेलिंग है, मुझे पता नहीं कितने कारीगरों ने काम किया, वो साथ में कितने घंटे मेहनत किया होगा सभी लोगों ने। तो भारी बहुत था लेकिन इतना खूबसूरत था कि मैंने कहा कि कोशिश ज़रूर करूँगी कि इसकी जो खूबसूरती है लोग देखें और सराहा जिस तरह से लोगों ने ऑलरेडी इतना उसे सराहा है, आई एम श्योर द डिज़ाइनर हिमसेल्फ माइकल सिंह को और उनके जो कारीगर हैं बहुत खुश भी आएंगे। और होना भी चाहिए, इसे एक तरह से तो कॉल इट आर्ट, ये है ही कम्प्लीट। आप अगर देखें हम यहाँ पर हम हैं कान के अंदर, कितना ब्यूटीफुल यहाँ का नज़ारा है, आप हर साल यहाँ पर आती हैं। मुझे थोड़ा सा कान के बारे बताएं, हमारे दर्शकों को भी अगर हम दिखाएं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और बारिश हो रही है इससे थोड़ा सा स्पॉट स्पॉट हम बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन फिर भी कान के बारे में बारिश हो तो हम भारतीय तो इसे भगवान का आशीर्वाद ही मानते हैं, तो है ही ये भी एक अनुभव है यहाँ पर मेरे लिए तो पहली बार। बट और यहाँ पर सभी लोग जो है आर्टिस्ट ही क्रिएटिव लोग हैं, और स्केड्यूल जितना ही पैक्ड हो फिर भी यहाँ पर मौका मिल ही जाता है कि थोड़ा इसी में भी माहौल की खूबसूरती उसका अनुभव लेकर घर खूबसूरती की बात करें। आराध्या आपके साथ दिखी आराध्या आपके साथ दिखी मुझे चलते हुए आपके साथ लिटिल, और आपने इंस्टाग्राम पे भी आपका डेब्यू हो गया, उसके बारे में बताएं। मतलब मैंने आपको जब इतनी सी थी, बिल्कुल छोटी सी भी थी, बालकनी में चलते थी तब से मुझे याद है, 4 साल पहले से क्यों आया उससे पहले बस बेटी ने कहा कि मैं आपके साथ गाड़ी लगाती हूँ, मैंने कहा जरूर, मैं तो उसे नेचुरल रखती हूँ जितना हो सके, क्योंकि ये तो है मेरी ज़िंदगी, ये सब तो रहता ही है, बदराजी मोमेंट्स, ग्लैमरस मोमेंट्स, नॉर्मल मोमेंट्स, रियल मोमेंट्स, और मेरी बेटी है तो उसमें जिस तरह से जितना हम इसे नॉर्मल रखें, मेरा जो इरादा यही है, आई डोंट मेक एनीथिंग अद्भुत और कुछ अलग यही इसी में भी हमारा नॉर्मल हम घूम पाएंगे और घूमते हैं। और शी हैज़ ऑलरेडी फाउंड अ बैलेंस विद इट ऑल व्हिच इज़ सो इट वाज जस्ट आराध्या अपनी माँ के साथ गाड़ी तक आ रही थी, रेड कार्पेट तक आई, बट शी डिडंट कम ऑन टू इट, शी जस्ट ड्रोव मी देयर एंड 10 मिनट में आई मेट हर अगेन ऑन द अदर साइड एंड वी वर बैक टुगेदर, सो इट वाज ग्रेट।